हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल हैविंग ग्रेट टाइम और साथ ही साथ आप लोग प्रिपरेशन में लगे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस फिजिकल डेट से रिलेटेड। साथ ही साथ हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या रनिंग के नियम नियमावली में बदलाव होने वाले हैं, और हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या अगली सरकार आएगी। अगली सरकार मतलब JMM के बाद कोई और BJP की अगर सरकार आएगी तो क्या यही नियमावली पर आपके रनिंग कंडक्ट होंगे। सभी बातों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ये वीडियो स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो भी झारखंड पुलिस रनिंग के रिगार्डेड आप लोग वेट कर रहे थे एक नोटिफिकेशन के लिए। तो सभी बातों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि चूंकि आचार संहिता लागू हो गया है, मैं आपको कम से कम एक महीने पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैं आपको अपडेट दी थी कि रनिंग इस गवर्नमेंट में संभव नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट भी हो चुका था और कुछ ऐसे प्रॉब्लम भी आ रहे थे जिसके कारण से ये जो रनिंग था इस गवर्नमेंट में कंप्लीट नहीं हुआ। चूँकि और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट भी बहुत ज़्यादा थे झारखंड पुलिस में, तो ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं था कि ये आचार संहिता से पहले रनिंग कंडक्ट हो। तो मैं आपको एक महीने पहले ही आपको इन्फॉर्म मैं कर चुकी थी। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या अब आचार संहिता लगा है तो क्या रनिंग से रिलेटेड कुछ अपडेट आपको मिलेगा। तो देखिए, अभी झारखंड पुलिस के रनिंग से रिलेटेड अभी माहौल बिल्कुल ठंडा है और अभी रनिंग नहीं होने वाला है जब तक कि एक नई गवर्नमेंट तैयार नहीं होती, चाहे वो किसी की भी गवर्नमेंट हो। जब तक अब अगली गवर्नमेंट नहीं आएगी तब तक झारखंड पुलिस पर रोक है। मतलब अभी जब तक नई गवर्नमेंट नहीं आती तब तक झारखंड पुलिस का रनिंग कंडक्ट नहीं होगा। तो जब तक अब नई गवर्नमेंट आएगी, अगर गलती से BJP की अगर सरकार बन गई तो नियम नियमावली में भी चेंजेस देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि कम से कम जो सरकारी आंकड़ा है उत्पाद सिपाही में करीब करीब 16 कैंडिडेट की जान गई थी। तो ऐसे में JMM की और कांग्रेस की बहुत ज़्यादा बदनामी हुई, हेमंत सरकार की बहुत ज़्यादा बदनामी हुई कि आप लोग के नियम नियमावली में आप लोग ऐसा लेकर आए कि 16 कैंडिडेट की जाने चली गई। तो कोई भी दूसरा गवर्नमेंट जब बनेगा तो ये बदनामी वो अपने सर बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहेगी। वो चाहेगी कि पहले एग्ज़ाम कंडक्ट हो देन फिजिकल मेडिकल। तो अगर BJP की सरकार आ जाएगी तो ऐसा ये बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है कि रनिंग पहले लेगी। हो सकता है कि नई गवर्नमेंट बने वो अपने हिसाब से फिर वो झारखंड पुलिस की वैकेंसी क्लियर करना चाहेगी। तो अभी आपके पास थोड़ा बहुत समय है और आप लोग को तैयारी करते रहनी चाहिए। आप लोग को ना कि सिर्फ रनिंग पर फोकस करनी चाहिए, आप लोग को सिलेबस भी कंप्लीट कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब ये तो कहा नहीं जा सकता ना कि किसकी सरकार बनेगी। हो सकता है JMM की सरकार फिर से बन जाए, हो सकता है कि BJP की सरकार बन जाए। तो अब देखना यह है कि सरकार बनती किसकी है, हो सकता है नियम नियमावली में भी चेंजेस देखने के लिए मिल सकता है। तो आप लोग ना कि सिर्फ रनिंग पर प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग अपने सिलेबस को भी कंप्लीट कीजिए। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।